नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों पर। बाराबंकी जिले में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के हजारों कार्यकर्ताओं ने गन्ना संस्थान में एकजुट होकर धरना प्रदर्शन किया। प्रशासन से अपनी तमाम मांगों को लेकर एसडीएम और क्षेत्राधिकारी से बातचीत करने के बाद जब फैसला उनके हक में नहीं आया तो प्रदर्शनकारियों ने लखनऊ की तरफ कूच कर दिया। इस बीच लखनऊ, बहराइच और फैजाबाद नेशनल हाईवे जाम कर किसानों ने प्रदर्शन किया और लगभग 4 घंटे तक सड़क जाम रही। बाबूर पुल है, उसके संदर्भ में है, बाकी जो है वन विभाग में जो है जो पैसा आ रहा है मेंटेनेंस का, किस तरह से खर्च किया जा रहा है, इसके संदर्भ में इनकी कुछ जो है जिज्ञासा है कि उसके बारे में जानना चाहते हैं कि पैसा कैसे खर्च किया जाता है। और इसके अतिरिक्त जो है कुछ शिकायतें पुलिस विभाग से हैं, कुछ राजस्व विभाग से हैं। और हमारे जनपद में कई ऐसे प्रशासन की नॉलेज में ऐसे काम हुए जिनपे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, फिर मैं जानना चाहता हूं कि ये प्रशासन सोया हुआ का है, जागेंगे कब जागेंगे ये। हमारे जनपद में श्री दुर्गा ओमेन वेलफेयर सोसाइटी जो जिसने प्राइवेट कोटेदार बनाए, 1500 कोटेदार, एक एक कोटेदार ने 300-300 अपने सदस्य बनाए और उसमें करोड़ों रुपए का जनपद में नगद पर जो है सामान खरीद फरोख्त चल रहा है। हमीरपुर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। ये गिरोह लोगों को बहला फुसला कर पैसे ट्रांसफर करवाकर ठगी किया करता था। वहीं मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने एक स्कॉर्पियो समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर दिया। अपराधियों के पास से 2 असलहे, जिंदा कारतूस, 1 स्कॉर्पियो और 5 किलो गांजा बरामद किया गया। आज से करीब 6-7 महीने पहले चंदन सिंह, अनु, अनिल सब लोग मिलकर एक वेबसाइट बनाई थी जिसमें पेट्रोल पंप लगवाने के नाम से लोगों से धोखाधड़ी किया जा रहा था, जिसमें किसी के फर्जी खाते लगा के उसमें पैसे डलवा दिए। उसको हमने हमारा आयोग साल का सुनते इसको मुखबिर सूचना मिली कि पसवाने किराए के पास एक गाड़ी में कुछ लोग लूट करने के इरादे से वहाँ पर हाथ लगाए खड़े हैं। इस सूचना पर अपने दरबार के साथ गई है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस प्रत्याशी हरदीपक निषाद के चुनावी जनसभा में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर और राज्यसभा के सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बेरोजगारी से लेकर बिजली के बढ़ते हुए बिलों जैसी समस्याओं को लेकर सरकार को घेरा। बेरोजगारी मोदी सरकार और योगी सरकार में है, इतना देश के आजाद भारत में कभी नहीं रही। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सांख्यिकी आयोग, स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, भारत सरकार कह रहा है। जनता के बीच में जा रहे हैं कि जो केवल नौजवानों का ही अपमान नहीं हुआ है बल्कि उनके परिवारों का भी अपमान है, उन माओं की कोख का अपमान है, उस पिता का अपमान है जो किसी भी धंधे में, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी कार्य क्षेत्र में वो खून पसीना करके अपने बच्चों को, नौजवानों को पढ़ा। हमीरपुर जिले के राठ तहसील के सरसई गांव के पास 2 बाइक सवारों की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 1 बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद राहगीरों ने मृतक और घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर घायल को प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हमारे पास आए हुए हैं, 2 बाइकों की टक्कर उन्होंने बताई है, जिसमें एक एक्सपायर्ड हो गया मौके पर और एक दीपू जो है वो घायल है। उसके दाहिने पैर की प्रथम दृष्टया दाहिने पैर की फीमर की हड्डी और टीबिया फिबुला टूटी हुई लग रही है पैर के नीचे की हड्डी। महोबा में वीरभूमि स्टेडियम में 37वीं अंतर जनपदीय जोनल पुलिस बैडमिंटन और टेबल टेनिस खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस 3 दिवसीय पुरुष एवं महिला प्रतियोगिता का उद्घाटन जिलाधिकारी अवधेश कुमार तिवारी ने फीता काटकर किया। पुलिस बैडमिंटन और टेबल टेनिस प्रतियोगिता में प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, बांदा, हमीरपुर और महोबा के महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हरदोई के मोहल्ला सुभाष नगर स्थित मंदिर में शिवलिंग तोड़े जाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले में बीजेपी नेता डॉक्टर अरुण मौर्य की गिरफ्तारी न होने से नाराज हिंदू संगठन के लोगों ने मौर्य के आवास के बाहर नारेबाजी कर उनकी नेम प्लेट पर कालिख पोतकर कई स्लोगन लिखे, जिसके बाद काफी देर तक हंगामा चलता रहा। दरअसल शिव मंदिर में 5 दिन पहले एक बैठक का आयोजन किया गया था, इस दौरान हंगामा हुआ और मंदिर में स्थापित शिवलिंग को तोड़ा गया, जिसके बाद बीजेपी नेता डॉक्टर अरुण मौर्य की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोग डटे हुए हैं। में तोड़फोड़ नहीं, लोग विरोध जताने पहुंचे हुए थे, कुछ उत्साही युवकों ने उनके नेम प्लेट पे कुछ कालिख पोत दिए, कुछ
वॉल पेंटिंग कर दी गई जिसको मिटवा दिया गया है। और अभी एक नौकरी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से दो दिन पहले हरदोई के मोहल्ला सुभाष नगर स्थित एक शिव मंदिर है, वहाँ पे सुभाष समाज की मीटिंग हुई थी। तो वहाँ पे मीटिंग के दौरान कुछ लोगों ने भगवान शिव के शिवलिंग को खंडित करने का प्रयास किया और खंडित कर भी दिया कि कुछ हद तक की। हरदोई से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। चरोली गांव के लोगों ने एक शख्स को बच्चा चोर समझकर इतना दौड़ाया कि वो डर के मारे करीब 50 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत से इस व्यक्ति को पुलिस ने फायर ब्रिगेड की सीढ़ी लगाकर नीचे उतारा। तो सूचना मिली कि चरोली के गांव के पास में एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़ गया है, सुन नहीं रहा है, और वहां पे प्रशासन हमारे सभी मौजूद हैं। फायर सर्विस से बचा के लेडर ला करके पहुंच जाएंगे, तो हो सकता है वो पहुंच जाए उतर आएगा। कौशाम्बी जिले की सैनी पुलिस ने महीने भर पहले अजवा टाउन एरिया में रहने वाले सभासद मोहम्मद इरशाद को दिन दहाड़े गोली मारने की घटना का खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने वाले दो अभियुक्तों में से एक को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों वांछित अपराधियों पर पुलिस के द्वारा इनाम भी घोषित किया गया था। वहीं पकड़े गए अपराधी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जो संदिग्ध था, जिसकी तलाश में मुख्य द्वारा हमें सूचना मिली थी, चांद बाबू उर्फ नायडू, उसका पहले ये खागा में रहता था, अब अजवा अजवा में ही चौराहे पर रह रहा था। मुझे फोन करके मुझे बता दिया, उसको बाइक दे दे कि बाइक लेके चलना है। बाइक लेके चला गए, पूछे कितनी दूर तक, बोलने के थोड़ी दूर तक चलना है। रायबरेली के बछनावा थाना क्षेत्र में एक अवैध नकली शराब की फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया, जिसमें पुलिस को भारी मात्रा में नकली शराब, स्टिकर और बोतलें बरामद हुई हैं। मुखबिर की सूचना पर कोतवाल रविंद्र सिंह ने अपनी टीम के साथ छापेमारी की थी, तब जाकर लाखों की कीमत की अवैध नकली शराब, स्टिकर और बोतलों के साथ बरामद हुई है। पुलिस ने 10,188 क्वार्टर बनी शराब बरामद की है। लगभग 1,800 लीटर शराब बरामद हुई है। अवैध शराब है, इसमें एक महिला जो कि उसके संचालन में भागीदार पाई गई है, उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ में श्री सिंह रैपर ढक्कन और उसको इस गाड़ी से जगह जगह पर पहुंचाया जाता था, उसको पकड़ा गया है। तो आपने देखी उत्तर प्रदेश की खास खबरें, क्या कुछ उत्तर प्रदेश में चल रहा है। ठीक इसी तरह की बाकी खबरों के लिए और उत्तर प्रदेश की तमाम जानकारियों के लिए आप लगातार बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।